हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आई होप आप रोज़ के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जस्ट गो थ्रू होना है आपको, कोई रट्टा नहीं मारना है रोज़ के करंट अफेयर्स से, बस एक बार देखना है आपको कि क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में, सो दैट जब आप एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स से। पहली न्यूज़ है हमारी दैट बेंगलुरु एक्सपीरियंस्ड अ यूनिक फिनोमिना। बेंगलुरु में एक नई चीज़ हुई और वो नई चीज़ थी, नई नहीं है ये, बट यूनिक थी और ऐसा हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो शेडो डे। ज़ीरो शेडो डे जो है वो बेंगलुरु में हुआ 25 अप्रैल को। तो ज़ीरो शेडो, देखो शेडो कैसे पड़ती है, अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पर सूरज है तो इस तरफ को शेडो आती है, अगर सूरज यहाँ पर है तो इस तरफ को शेडो आएगी, बिल्कुल सिर के ऊपर है, बिल्कुल ही है ना, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल सर के ऊपर है तो उसकी शेडो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, हाँ उसके नीचे ना लेफ्ट ना राइट, बस ऐसा ही हुआ। ज़ीरो शेडो मतलब जो सन था वो सर के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर था। हम कहते हैं ना 12 बजे के आसपास सर जो है, सर नहीं, सूरज जो है वो हमारे सर के ऊपर होता ऑलमोस्ट, तो वो एग्जैक्ट सूरज जो है वो सर के ऊपर नहीं होता, एग्जैक्ट ऊपर। जिस दिन सूरज बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हो जाए ना, उस दिन ज़ीरो शेडो डे हो जाता है ना, मतलब पर्सन ऐसे खड़ा है और बिल्कुल उसके नीचे जो है, उसके पैरों के नीचे उसकी शेडो है, यानी शेडो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, ठीक है, वो होता है। और ऐसा जो है ना वो साल में दो बार होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, अगर ये हमारी धरती है तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो लैटिट्यूड्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं ये। कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, जो कि नॉर्थ में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे साउथ में होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ में कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में कैप्रिकॉर्न। ये जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड मतलब लाइन है अर्थ के ऊपर, पैरेलल लाइन। अब ये जो लैटिट्यूड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सूरज है ना हमारा, वो इन्हीं लैटिट्यूड के बीच में रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता, इससे नीचे नहीं आता, बिल्कुल सिर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आती, पहुँचती हैं पर तिरछी पहुँचती हैं, यहाँ नीचे भी पहुँचती हैं पर तिरछी पहुँचती हैं, क्योंकि सूरज जो है वो इसमें कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। यहाँ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीचों बीच सूरज कभी ना कभी हमारे सर के ऊपर आएगा, हम कहीं भी हों, कहीं भी हों हम यहाँ पे, सूरज जो है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक्चुअल में तो देखो सूरज कहीं नहीं जाता, धरती जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, तो धरती जो है वो एक समय पर जाकर इस तरह से पहुँचती है कि सूरज हमें बिल्कुल अपने सर के ऊपर नज़र आता है, ठीक है, वो होता है ज़ीरो शेडो डे। सो प्रिसाइजली कब हुआ ये? 12:17 पे हुआ, वर्टिकली ऑब्जेक्ट जो है 25 अप्रैल को, हाँ 25 अप्रैल को 12:17 पे ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग कोच भी थे, उनकी शेडो नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सन जो था वो डायरेक्टली ओवरहेड था, बिल्कुल सर के ऊपर था, एट इट्स जेनिथ, कॉजिंग द शेडो टू बी डायरेक्टली बनीथ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पैरों के नीचे या बिल्डिंग के नीचे उसकी शेडो चली गई। एंड दिस हैपन्स ट्वाइस अ ईयर, मैंने आपको बताया, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको समझ आ गया ये दो बार क्यों होगा। देखो अगर ये धरती है ना, तो ये रहा कैंसर, ये रहा कैप्रिकॉर्न, ये बीचों बीच इक्वेटर, इसको इक्वेटर मान लेते हैं, बीचों बीच सूरज जो है वो इक्वेटर से ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर गया, इसके सामने पहुंचा, फिर वापस आता है नीचे, फिर इक्वेटर पे पहुंचा, फिर इक्वेटर से नीचे आएगा, ऐसे इसके सामने पहुंचा, फिर वापस जाएगा ऊपर, समझ रहे हो? तो एक बार जब सूरज ऊपर गया होगा तो बेंगलुरु में ऐसा हुआ, जब सूरज नीचे आएगा तो फिर से बेंगलुरु में ये होगा, ठीक है। तो अभी जो है वो कब हुआ, कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, अप्रैल, अप्रैल चल रहा है ना, तो वापस जब आएगा ना तो अगस्त के आसपास जो है दोबारा से बेंगलुरु में ये फिनोमिना जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। या तो वापस जाते हैं न्यूज़ पे, ज़ीरो शेडो डे। तो नेक्स्ट ज़ीरो शेडो डे जो है वो देखो 18 अगस्त 2023 को बेंगलुरु में देखा जाएगा। लोकेशन आउटसाइड द ट्रॉपिक जो है वहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता, मतलब देखो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनसे होता हुआ जाता है। तो मतलब जब एमपी से ऊपर
जो स्टेट्स हैं हमारी, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में ऐसा कभी नहीं देखा जाएगा, पंजाब में ऐसा कभी नहीं देखा जाएगा, चंडीगढ़ में कभी नहीं, श्रीनगर में कभी नहीं, शिमला में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज कभी ओवरहेड, एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं आएगा, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर सन कभी आता नहीं है, तिरछी जो किरणें हैं वो हमारे तक पहुँचती हैं। जीरो शेडो डे इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इससे हमें अर्थ के टिल्ट होने का भी एहसास होता है। ऐसे अर्थ है, ये एक्सेस हैं, तो पता चलता है किस तरफ को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जा रहा है, क्योंकि जिस दिन जीरो शेडो डे होगा सन बिल्कुल ऊपर होगा परपेंडिकुलर, है ना, तो ये थोड़ा टिल्टेड है, इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो इतनी टिल्ट है अपने एक्सेस के ऊपर। आपको पता होगा अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे नॉर्थ साउथ पोल नहीं है, अर्थ के जो है वो नॉर्थ साउथ पोल ऐसे हैं, थोड़ा इस तरह से टिल्ट है अर्थ, जिसकी वजह से सीजन आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फिनोमिना है ज्योग्राफी में, जब कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे, बट अभी तक आपको पता चल गया ऐसा क्यों होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही होता है, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीचों बीच होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 25 अप्रैल को 12:17 पे बैंगलोर में था जीरो शेडो डे। नेक्स्ट, The Prime Minister has praised the Northeast Gas Grid Project for achieving a major milestone. Northeast में हमारा एक गैस ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे कि हम गैस, नेचुरल गैस जो है वो Northeast तक पहुँचाई है हमने, ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू। और ये जो इस पाइपलाइन ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड बनाया है, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी बताया हमें कि इसने एक रिकॉर्ड बनाया है ऑफ लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन रिवर क्रॉसिंग इन एशिया। रिवर क्रॉसिंग क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ये जो पाइपलाइन है ये अंडर ब्रह्मपुत्रा रिवर गई हुई है, तो इसने लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बन गई है ये रिवर क्रॉसिंग के साथ, एंड सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, एशिया में सबसे लंबी और दुनिया में दूसरे नंबर पर, राइट। द नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट जो है इसका एम है टू प्रोवाइड क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। The project is the part of government ka vision to increase share of natural gas in India's energy mix and develop the national gas grid. देखो, natural gas जो है वो pollution नहीं करती, और pollution नहीं करती तो clean gas है, ठीक है, clean energy है। तो ये clean energy हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़े हमारे देश में, और north eastern state को जो है वो हम ये provide करना चाहते थे, इसलिए ये project था हमारा। Project का नाम क्या है? North East Gas Grid, ठीक है जी, right? तो ये लंबी बन गई है, सबसे लंबी इन एशिया और दूसरे नंबर की इन द वर्ल्ड। अगली न्यूज है, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट 6th एडिशन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया मीट 2023। तो देखिए, अभी हमारे इंडिया में एक हेल्थ केयर मीट हुई जिसका नाम है वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, जिसमें हम भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और सही हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड इंडियाज कमिटमेंट टू मेकिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, नॉट ओनली फॉर इट्स सिटीजन्स बट फॉर द होल वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हेल्थ केयर बहुत महंगी है, बहुत महंगी, इनफैक्ट डेवलप्ड नेशंस भी ऐसे हैं जहाँ पर हेल्थ केयर महंगी है, जबकि हमारे भारत में बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइजेस पे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय पर ये सबको इसका फ़ायदा मिले। द 2-डे कंक्लेव में बहुत सारे हेल्थ मिनिस्टर्स आए थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए थे जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, और ये सब आए, इन्होंने आपस में एम क्या था इस कंक्लेव का, एम टू प्रमोट ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थ्रू वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर, ठीक है। सो भारत जो है इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन फार्मास्यूटिकल ऑल्सो, हेल्थ केयर में भारत जो है वो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो हैं कई देशों से भारत में अपना इलाज कराने आते हैं। चलिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया हंगरी जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, वेयर बोथ कंट्रीज डिस्कस्ड चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स इन वाटर सेक्टर। तो इंडिया और हंगरी ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया है फॉर वाटर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। हंगरी जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, दिस इज़ जर्मनी, दिस इज़ यहाँ पे हंगरी, यहाँ पर है जर्मनी है, इटली है, ठीक है, ये सब कंट्री, सर्बिया है, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो यहाँ कहीं जो है बीच में हंगरी है।
हंगरी के साथ इंडिया ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है फॉर वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन. फोकस रहेगा ऑन इशू ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ग्राउंड वाटर की ना रहे. द नीड फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया. सिक्स एरियाज ऑफ प्रायोरिटी जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्सट्रीम फिनोमिना, एक्सप्लोरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज. कैसे हमने एक्सप्लोर करनी है वाटर रिसोर्सेज, कैसे उनको मैनेज करना है, और क्लाइमेट चेंज से जो है वो हमें उनको बचाना है. अ 3-year वर्किंग प्रोग्राम जो है वो साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के लिए. तो क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया है फॉर वाटर मैनेजमेंट कोऑपरेशन? तो ये किया है हंगरी के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है. द रशिकुल्ला बीच इन इंडिया उड़ीसा स्टेट रिसेंटली विटनेस्ड हाइएस्ट एवर कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. सिंपल भाषा में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपको टर्टल्स दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है ऑलिव रिडले टर्टल, बिकॉज इनके ऊपर जो ग्रूव्स है ना वो ऑलिव कलर के होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है ऑलिव रिडले. और ये बहुत ही छोटे छोटे छोटा छोटे टर्टल्स होते हैं, और भारत में एक समय पर ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते थे. फिर एक समय आया जब इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोग इनको लेके जाते थे, मार देते थे, घरों में रखते थे, और इन ये एक्सटिंक्ट होने लगे थे, एक तरह से इनको खतरा था. फिर हमने भारत में स्टार्ट किया ऑलिव रिडले टर्टल प्रोजेक्ट इनकी कंजर्वेशन के लिए. और ये सबसे ज़्यादा ना उड़ीसा वाली साइड जो बीचेज हैं हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं. और इनका ना एक फिनोमिना है, सिंपल भाषा में सारी ही चीज़ बता देती हूँ. इनका एक फिनोमिना है कि जब भी ये एग्स ले करते हैं, जब भी इनकी मादा एग्स ले करती है, तो ये सभी इकट्ठे हज़ारों की तादाद में इकट्ठी फीमेल्स आती हैं बीच के ऊपर और फिर एग्स ले करती हैं. तो हज़ारों फीमेल्स बहुत सारे एग्स ले करती हैं और फिर जो है बहुत सारे छोटे छोटे और ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. तो कभी कभी अगर इनका नज़ारा आपको देखने को मिले ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी बीच चल रही है. जब हज़ारों की तादाद में टर्टल्स आएंगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी बीच चल रही हो, कुछ ना कुछ चल रहा है, रेंगती हुई बीच जो है वो नज़र आती है. ठीक है, तो ये बात हो रही है ऋषिकुल्ला बीच की. हालांकि ऋषिकुल्ला बीच में ऐसा हुआ कि बहुत सारे टर्टल जो है इस बार देखे गए, वैसे सबसे ज़्यादा टर्टल जो है वो उड़ीसा की गहिरमाथा जो मरीन सेंचुरी है वहाँ पर होता है. गहिरमाथा भी एक बीच है जहाँ पर जिसको सेंचुरी बना दिया गया है इनके लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रुकरी है ऑलिव रिडले टर्टल की. रुकरी समझते हो जहाँ पर ब्रीडिंग होती है ऑलिव रिडलेस की. ठीक है जी, तो ऑलिव रिडले जो एक स्पीशीज़ है हमारी, ये एक ऐसी स्पीशीज़ थी जो थ्रेटन थी, और हमने इसकी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं भारत में. राइट, तो यहाँ पे दो बीचेस के नाम आए, ऋषिकुल्ला बीच जहाँ पे इसको, ये कोई भी सेंचुरी नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे विटनेस किए गए. इतने ज़्यादा विटनेस कभी यहाँ पर किए नहीं गए थे ऑलिव रिडले, क्योंकि रिसेंटली बहुत विटनेस हुआ इसलिए ये न्यूज़ में है. अदरवाइज उड़ीसा की जो गहिरमाथा बीच है यहाँ पे हमेशा से ही बहुत सारे टर्टल जो हैं वो आते रहे हैं. ठीक है जी, ऑलिव रिडले टर्टल. ओके, ये हमारे टर्टल प्रोजेक्ट का हिस्सा है भारत का. और लास्ट न्यूज़ जो है हमारी, दैट इज़ इन रीसेंट मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया एंड 4 यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इन्होंने बनाई है. Have expressed their willingness to resume their negotiations for a trade and economic partnership agreement. TEPA बोल देते हैं हम इसे, trade and economic partnership agreement जो है वो भारत के साथ करना चाहती हैं ये 4 countries. तो TEPA का मत देखो, trade and economic partnership agreement मतलब trade व्यापार से related कोई agreement है. ठीक है जी, so TEPA का मत aim क्या है, क्या चाहता है? जब भी दो देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं, सबसे पहला उनका मोटिव होता है कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के लिए टैक्सेस कम करें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं और फिर वो हमारे देश में महंगी मिलती है. अगर हम किसी देश के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि टैक्सेस कम से कम लगें, ताकि जो चीज़ दूसरी कंट्री से, मान लो कोई चीज़ जो है वो हमारे देश आनी है, से मान लेते हैं स्विट्ज़रलैंड से आनी है,
तो स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में अगर कम से कम टैक्सेस होंगे तो जितने की वो चीज़ स्विट्जरलैंड में मिलेगी ऑलमोस्ट उतने की ही वो भारत में भी मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इससे जो है वो दोनों देशों को फ़ायदा होता है, उनके लिए मार्केट बढ़ती है। देखो स्विट्जरलैंड में कोई चीज़ बन रही है, भारत की कितनी बड़ी मार्केट उनके लिए खुल गई, और भारत को जो है वो स्विट्जरलैंड की मार्केट खुल गई। और अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिले तो फिर भारत में कोई खरीदेगा नहीं उसे। तो जब भी ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इनका मेन मोटिव होता है जो टैरिफ्स, जो बैरियर्स, जो टैक्सेस हैं उनको कम से कम रखा जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो बस इसका भी यही पर्पस है। और EFTA कंप्राइजेस कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आइसलैंड, लाइचेंटेनशियन एंड नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। इट इज लाइचेंटेनस्टाइन, कंट्री का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना बट आप समझ रहे हो, है ना। तो चार कंट्रीज हैं ये, आइसलैंड, लाइचेंटेनस्टाइन, भूलेगा भी नहीं आपको, और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है, विच आर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। बट इन्होंने जो है इनके साथ पहले भी हमारी नेगोशिएशन होना स्टार्ट हुई थी, तब रुक गई थी किसी वजह से, अब दोबारा से जो है वो इनके साथ ये टेपा जो है वो दोबारा से जो है नेगोशिएशंस हो रही हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। तो ये चार जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एसोसिएशन के लिए नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो ये थे हमारे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।